हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, राइट? सो यार, फाइनली जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो डिमांड है टू गेट द एडमिशन इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, ठीक है? DU के अंदर काफी सारे कॉलेजेज, आई थिंक 10-11 कॉलेज जो है, जिनका जो फ्यूचर में प्लेसमेंट हो, चाहे रेपुटेशन हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे एक्टिविटीज हो, ठीक है, सब कुछ टोटली काफी अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर जो है टॉप 3rd तक इस कॉलेज को कंसिडर किया जाता है, चाहे वो NRF रैंकिंग हो, चाहे यहाँ का प्लेसमेंट हो, चाहे कि फैकल्टी हो, चाहे कि टीचर हो, चाहे कि लोकेशन हो, राइट? सो आज अपन कुछ यार बात करने वाले हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए स्पेशली, और जो कट ऑफ वगैरह सारी की सारी इस चैनल पे मिल जाती है। हालांकि अभी जो CUET के एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आज अपन। आपको जो है डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, आप इन सब का जरूर प्रिपेयर करके रखिए, राइट? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आपको जो एक तो अपना एडमिट कार्ड रखना है, CUET का जो भी आपको एडमिट कार्ड मिला है, तो आप जो अपना एक तो एडमिट कार्ड संभाल कर रखें, साथ में जो आपको एक स्कोर कार्ड अभी देखने को मिल जाएगा, तो जो आप अपने स्कोर कार्ड को भी रखें, ओके? उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास एक 12th का मार्कशीट होना चाहिए, जो कि आपका DigiLocker का भी चलेगा, उसके साथ ही आपको कॉलेज का एक स्कूल का, सॉरी अगर आप जस्ट UG स्टूडेंट है, तो जो आपको एक स्कूल का मिलेगा, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, जिन भी स्टूडेंट को पता नहीं है वो जो आपको स्कूल से इश्यू कराना पड़ता है। करेक्टर के अंदर बेसिकली ये लिखा रहता है कि आपने स्कूल में जस्ट लाइक अच्छा आपका माहौल रहा है, या फिर आपका जो भी है, ठीक है, करेक्टर के साथ आप बिहेवियर के साथ आप, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि स्कूल से मिलता है, या फिर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप उनकी जो वेबसाइट पे जाके, स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे जाके DigiLocker से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जनरली जो आपको यार जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर CBSE बोर्ड की तरफ से, CBSE वाला तो जो है जनरली आपको DigiLocker पे भी मिल जाता है, या फिर आपको स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे आपका जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो स्कूल से आपको जो है 3 सर्टिफिकेट लेना है, ट्रांसफर यानी कि TC, एक करेक्टर, एक माइग्रेशन, ओके? उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप SC, ST, OBC, PWD या फिर जनरल EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपको इनके सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं फ्रॉम द UP, राइट, सो आपके पास जो है इसका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भाई सेंट्रल का सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसके लिए जो है मैं आपको वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप जो है चेकआउट कर सकते हो। यानी कि पहले आपको यूपी का बनवाना है, देन जो है फिर यूपी वाले से आपका सेंट्रल का बनेगा। तो इस प्रकार से जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है, आप ये ध्यान रखिए कि आपका स्टेट का नहीं होना चाहिए। DU वगैरह में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, देन वहाँ पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट अप्लीकेबल है फॉर द स्पेशल कैटेगरी के लिए। फिर आपका होता है डोमिसाइल, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे आप बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कहाँ से है, दिल्ली, तो इसका जो आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनाना होता है, ऑनलाइन भी बनता है बहुत सारे स्टेट का ऑफलाइन बनाना पड़ता है, ओके? उसके बाद में यार इम्पोर्टेंट होता है आपका, अगर आपने कोई गैप लिया है, जैसे गैप का मतलब होता है जैसे आपने कोई ड्रॉप लिया हो, जैसे 12th के बाद आपको किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, NEET, JEE एंड अदर, तो जो आप उसको गैप सर्टिफिकेट जो कि आपको एडवोकेट से बनाना पड़ता है, अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो अगर 8 लाख से कम है, देन जो है आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड इनकम सर्टिफिकेट, ओके? अगर आप PWD कैटेगरी से है, देन जो है आपको PWD का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आपको जो है अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है, जो कि एक MBBS डॉक्टर से, हॉस्पिटल से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो उसका भी आपको जो है आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है, ओके? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर आप जैसे किसी NSS या फिर NCC वगैरह कोटा से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास उसका जो है प्रूफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिकॉज इसमें जो है आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, स्पेशली जो सुपर न्यूमेरी वगैरह कोटा होता है। अगर आप जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स है, देन आपको पास उसका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको उस मोमेंट पे ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए होती है, ओके? उसके साथ में यार आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपका आधार कार्ड है, आई होप सभी के पास होगा और कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो है आप एक बैंक के अंदर बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, SBI के अंदर सिंपली खुल जाता है, तो आप SBI में बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, ओके? सो यार इस प्रकार से जो आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखें, ठीक है? एंड और भी जस्ट लाइक मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट छूट गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ यार CUET एडमिशन की जस्ट आप जो है सब्सक्रिप्शन प्लान या फिर पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान ले सकते हो, जिसके लिए जो हमें व्हाट्सअप नंबर या फिर हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके साथ ही जो आप CUET के कोई सा भी आप अगर कोर्स कर रहे हो, तो उसकी भी कोर्सेज की जो जस्ट
आप ले सकते हो, ठीक है, कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय इंजीनियरिंग वाला। तो जैसे आप engineeringwala.in या फिर CUET.in पे विजिट कर सकते हैं और जो है आप CUET का कोई भी कोर्स वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से जो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।